स्थानीय नगर भवन सभागार में नवरात्रि महाअष्टमी के अवसर पर एक विशेष फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता अमित पांडे के नेतृत्व में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष विजय कुमार सिंह ने की, जबकि संचालन अखिलेश पांडे के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय कार्यपरिषद सदस्य राम कुमार सिंह ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि अमित पांडे के द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का आयोजन किसी समाज सेवी के द्वारा पहले कभी नहीं किया गया। अमित पांडे ने बताया कि बक्सर धर्म की नगरी है। भगवान श्री राम ने त्रेता युग में यहाँ शिक्षा ग्रहण की थी। ऐसे में धर्म की नगरी में इस तरह के आयोजन नहीं हो तो और कहाँ होंगे। साथ ही साथ उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी जमकर निशाना साधा। ये हिंदू की नगरी है बक्सर। पहले तो मैं बक्सर की जनता को प्रणाम करता हूँ। प्योर सनातन की नगरी है बक्सर। आपको पता होना चाहिए भगवान राम जब यहाँ आए थे यहाँ शिक्षा स्थली ग्रहण करने, और हम लोग यहाँ से क्या लेंगे, भगवान श्री राम ने यहाँ शिक्षा लिया तो पूरा पटल जाना, पूरा विश्व जाना, पूरे विश्व की कल्याण हुई। और भगवान श्री राम का अयोध्या में इस बार नगरी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बना दिया, इतनी बड़ी मंदिर बड़ा बना कि पूरे विश्व के लोग देखने आ रहे हैं। और बक्सर में इस तरह का अगर आयोजन नहीं होगा, धर्म की नगरी में आयोजन ऐसा नहीं होगा तो कहाँ होगा। अगर हम नहीं यहाँ करेंगे तो बक्सर की संस्कृति और सनातन दोनों समाप्त हो जाएगी। इसलिए ऐसा आयोजन बक्सर की धरोहर के लिए करना पड़ेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले और आप विधायक की सांसद हैं, कहाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी के हम सिपाही हैं और हमने बक्सर की सेवा भाव के लिए किया है। ऐसे का माननीय विधायक जी जो है सर्किट हाउस में बैठने वाले हैं और लेट नाइट पार्टी करने वाले विधायक जी हैं, क्योंकि जब बक्सर की जनता सोती है तो वह जगते हैं। और आज तक 10 सालों में उन्होंने ऐसा कुछ काम किया है तो आप हमको बता दें, क्योंकि वो टोपी वाले बाबा हैं। टोपी वाले बाबा 10 सालों में ऐसा काम कभी करेंगे नहीं, क्योंकि टोपी नहीं लगाएंगे तो उनकी चली जाएगी, क्योंकि वो तो दिखावा करते हैं टीका और सिखा की, सिखा और टीका की। अब तो उनके भाई चोर चोर मसेरे भाई, अब तो चार चार लोग यहाँ एक तरह के हो गए हैं, एक ही कुनबे के हो गए हैं। और ये लोग इतनी तैयारी में है, लूट खसोट की तैयारी में, एक बहुत बड़ा स्कैम ये लोग चला रहे हैं पूरे बक्सर में। और एक साथ बैठते हैं और सारे लोग उगाही करते हैं बक्सर की चंदा, चंदा मतलब समझ रहे हैं कमीशन खोरी की। और पूरे नगर में आप देखते हैं जगह जगह मीट मुर्गे गले पे यहाँ के चेयरमैन के थ्रू बिक्री हो रहा है। चेयरमैन कौन है आप तो देख रहे हैं, ये टोपी वाले हैं। और टोपी वाले को जितने हैं हर चौराहे पर गली गली में खोल दिए हैं और यहाँ जीना मुश्किल है। विधायक का संरक्षण है, विधायक जी तो प्योर इनकी फंडा जो है ना, ये संरक्षण वाले बाबा भैया हैं, सबको संरक्षण देते हैं। ये तो आप समझ सकते हैं संरक्षण वाले बाबा क्या करते हैं। 10 सालों में उन्होंने कोई विकास का काम बक्सर में नहीं किया। वो सिर्फ वहाँ से अपने 35 किलोमीटर से यहाँ आते हैं और सर्किट हाउस में बैठते हैं। और समझते हैं कि जो आदमी 60 साल का अगर हो जाए 35 किलोमीटर आना और 35 किलोमीटर जाना, वो थक जाता होगा और घर जाता होता है, फिर उठने का मन नहीं करता है। वो विकास क्या करेंगे, वो क्षेत्र में क्या घूमेंगे, उनको तो आराम चाहिए। इसलिए एक जगह आते हैं और सर्किट हाउस में बैठते हैं और अपना कारोबार चलाते हैं और शाम को लेकर पैसा पॉकेट से घर जाते हैं।